सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी, एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और आप लोग देख सकते हैं मैं हूँ रेडी। तो क्यों रेडी हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। और क्या घूमने जा रही हूँ? तो आप लोग जैसा जानते हैं कि गणेश पूजा चल रहा है अभी, तो वहीं गणेश पूजा बहुत जगह मूर्ति रखाए हुए गणेश पूजा के अवसर पे। आप सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा हो या गणेश पूजा, ये सब पे बहुत ज़्यादा मतलब मेला टाइप लगता है। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं सब फैमिली लोग घूमने। तो ब्लॉग पे बने रहिए। और एक बात गाइज, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टाग्राम नेम, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक भी। तो आप जल्दी जल्दी वहाँ फॉलो कर लीजिए, मैं डेली रील्स अपलोड करती हूँ वो भी। तो यहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे, यहाँ मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे थे और तैयार हो चुके थे हम लोग। और यहाँ हम लोग पूरे फैमिली, मतलब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि सब लोग रेड रेड ही पहन लिए थे, जबकि कोई प्लानिंग नहीं थी। हम लोग सब अलग अलग ही रेडी हुए थे, फिर भी रेड 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 सबका हो गया था। और यहाँ हम लोग निकल चुके थे, मैं और माम, मतलब अच्छे से लाइट नहीं है तो अच्छे से आ नहीं रहा था, बट कोशिश की हूँ कि कैप्चर कर लूँ सब कुछ। और बहुत एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैं पहली बार देख रही थी ऐसे गणेश पूजा का मेला, क्योंकि हमारे बिहार में ना मेला टाइप नहीं लगता, बस छोटा मोटा ऐसे ही लग जाता है। बस वहाँ पे मूर्ति बहुत अच्छे अच्छे रखाते हैं ऐसे दर्शन करने के लिए, ऐसे बड़ा सा मेला नहीं लगता। तो यहाँ बहुत सुंदर मेला लगा था, तो वहीं हम लोग एक्साइटेड भी थे जाने के लिए। और यहाँ एक और मेला लगा था, छोटा सा ये लगा हुआ था, तो यहाँ तो हम लोग नहीं घूमे, हम लोग डायरेक्ट गए थे जो बड़ा वाला मेला लगा था वहाँ पे। बट यहाँ मैं कैप्चर कर ली आप लोग को दिखाने के लिए, वहाँ सामने से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखिए पूरा लाइट लगा हुआ था और पंडाल भी था एंड मूर्ति भी और पूरा झूला वगैरह सब था। बट ये छोटा वाला मेला था जहाँ हम लोग गए थे ना, वहाँ बहुत बहुत सुंदर लग रहा था जाने के बाद। तो हम लोग निकल गए थे और काफ़ी भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक भी था बहुत जगह, क्योंकि बहुत लोग आए थे मेला घूमने। तो यहाँ पूरा जो पुलिस लोग रहते हैं बहुत सारे थे। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे और घर से हम लोग का काफ़ी दूर भी था, बट जाना था घूमने। देखिए यहाँ पूरा ट्रैफिक लगा हुआ था, भीड़, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग घूमने आए हुए थे ना मेला, जिसके वजह से भीड़ लग गया था। और मतलब इसीलिए इतने पुलिस लोग भी थे क्योंकि बहुत बड़ा मेला था। और देखिए यहाँ मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो यहाँ नहीं मिल रहा था, हर एक चीज़ यहाँ, बैग हो या जो भी हो, सब कुछ मिल रहा था। और सामने आपको दिख रहा होगा झूला, एक झूला मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, दूर से मुझे पता ही नहीं चला वो है क्या, क्योंकि एक झूला तो दिख रहा था रिंग वाला, बट वो नहीं दिख रहा था कि वो क्या है। तो मैं दूर से ही देख रही थी कि सामने जाके देखना है ये है क्या, आगे आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ मिल रहा था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में भी। मतलब ये सब चीज़ मेला में क्या होता है ना, मनमोहित करता है, लगता है क्या ले लें, बट ऐसा कुछ यूज का चीज़ था नहीं कि हम लें, अपना यूज का चीज़ लिए हैं वो आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग मेला में यहाँ से इन कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग सोचे कि क्या मेला में जाएँ या पंडाल। तो पहले हम लोग देखिए पंडाल देखने गए थे, पंडाल भी बहुत खूबसूरत था गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ था और मूर्ति भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर में मैं दिखाऊंगी। देखिए मूर्ति भी मुझे बहुत सुंदर लगा गणेश जी का, और भीड़ देखिए कितना ज़्यादा है। तो देखिए ये वाली चरखी बहुत खूबसूरत लग रही है ना, पूरा लाइट लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ बच्चे खेल रहे थे ना, बहुत सुंदर लगा देख के, ये भी क्या दिन थे, टेंशन फ्री वाले। और एक जो झूला है ये दिख रहा होगा, ये बहुत डेंजर था देख के, वो पूरा घूम जा रहा था ऐसा ना कि क्या बताऊँ मैं। और भीड़ का तो क्या ही बोलूँ, मैं ले ही नहीं पा रही थी वीडियो, डर सा लग रहा था। मतलब भीड़ में होता है ना कि कैसे कैप्चर करूँ, तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत सब कुछ ले ली हूँ कि बस आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ और आप घर बैठे देख सके कि यहाँ गणेश पूजा का कैसा मेला लगा हुआ था। और ये वाली जो झूला है, इससे मेरी बहन याद आ गई, पिछले बार हम लोग ना आई थी तो हम लोग घूमने गए थे तो उसी पे बैठे हुए थे। तो यहाँ इयरिंग देखने हम लोग गए थे बट पसंद नहीं आया, तो हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ सब कुछ था, बच्चे से लेकर मतलब बड़े जितने भी होंगे सबके लिए झूला भी था,
तो अच्छा लग रहा था देख के। और कभी कभी आप ऐसे घूमते हो ना तो पॉजिटिव सा माइंड हो जाता है, अच्छा लगता है। और यहाँ हर एक तरह का कप वगैरह सब मिल रहा था, तो कप तो हम लोग को अभी लेना नहीं था क्योंकि बहुत भरा हुआ है घर में अभी कप। और मैं ये वाले झूले की बात कर रही थी, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये झूला, दूर से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि एक ऐसा ही झूला मैं दिखाई आप लोगों को जो वहाँ बगल में है, और ये समझ नहीं आ रहा था क्या है। ये देखिए इयरिंग तो मेरा प्यार है, ज़िंदगी है, क्या बोले हम, इयरिंग के बिना हम रह ही नहीं पाते। तो हम इयरिंग ख़रीदे हैं, कभी दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत सुंदर सुंदर सा ख़रीदे हैं। और कहीं भी जाएं ये दिख जाता है तो रहा ही नहीं जाता है मेरे से बिना लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है इयरिंग मुझे। और ये बताइएगा कौन कौन खाया है और अभी भी किसको पसंद है। तो ये वाला झूला से मेरा मन ही नहीं भर रहा था, मैं देख ही रही थी, उसी को देख रही थी। और यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ मिल रहे थे, फ्लावर हो, मतलब हर एक चीज़ जो मिलते हैं सब कुछ मिल रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ घूम चुके थे और कैप्चर ज़्यादा नहीं कर पाई, काफ़ी देर तक हम लोग थे। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग पूरा पुलिस फौज, बहुत लोग था क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। और यहाँ चोरी का केस भी बहुत था, क्योंकि आप लोग को पता है जहाँ भीड़ रहता है वहाँ पे बहुत लोग ख़राब लोग भी आते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ हम लोग कुछ खाने का सोच रहे थे क्या खाएँ, तो पहले हम लोग सोचे छोले भटूरे खाएंगे, बट फिर प्लान बदल गया हम लोग का। फिर हम लोग सोचे कि नहीं यहाँ पे नहीं खाते हैं, बाहर जाके कहीं खाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नहीं खाए थे, थोड़ा यहाँ से हल्का दूर जाके हम लोग खाए थे। तो यहाँ से हम लोग फिर निकल गए थे। काफ़ी अच्छा लगा है ना, हम चारों लोग रेड रेड पहने थे, ऐसा लग रहा होगा प्लानिंग करके पहने थीम बनाए, बट ऐसा नहीं था। हम लोग खुद देख के खूब हम लोग हंसे थे कि हम लोग चारों का सेम कैसे हो गया। तो हम लोग यहाँ देखिए निकल गए थे, वहाँ सामने मेला था तो यहाँ से। और ये सब चीज़ मतलब ऐसा होता है ना कि आने का भी मन नहीं करता, बट कितना देर घूमेंगे, आना ही था घर, हम लोग को घर आने में लेट भी हो गया था काफ़ी। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग खाने के लिए रुके थे, तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए रुके थे। यहाँ हर एक चीज़ मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो नहीं मिल रहा था, जो भी मन करे यहाँ पे आओगे आप लोग मिल जाएगा खाने के लिए। तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आता क्या खाऊं क्या खाऊं, तो मुझे डोसा मन कर रहा था खाने का, सच बताऊं तो। अगर कुछ कोई पूछता है तो मुझे यही सब मन करता है। तो यहाँ पे हम डोसा खाए थे, फिर ऐसे यहाँ बैठे हुए थे तो मुझे सामने पापड़ी दिख गया गुपचुप, तो रहा ही नहीं जाता है मुझसे, तो मैं बोली तो वहाँ पापा जी लेने गए थे पापड़ी, तो हम लोग फिर यहाँ पापड़ी भी सब लोग शेयर करके खाएं, जो सेव पूरी टाइप आता है ना वहीं। हम लोग डोसा सब लोग अलग अलग वैरायटी का खाए थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड वाला सबसे टेस्टी था। तो फिर हम लोग यहाँ निकल गए थे घर के लिए, देख सकते हैं हम लोग बहुत रात हो गया, हम लोग को घर पहुँचने में करीब 10:30 या 11:15 हो गया था, बट मज़ा भी बहुत आया था, बहुत अच्छा लगा था घूम के। और कभी कभी ऐसे आप पूरा फैमिली ट्रिप पे जाते हो कहीं भी तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो सेम सिटी था तो इतना अच्छा लगा। तो देखिए हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग का तो उतना कैप्चर नहीं हो पाया, बिकॉज़ मैं ही सारा शूट कर रही थी, इसलिए मेरा मेला में ज़्यादा आया नहीं है। मैं खुद से कभी कभी फ्रंट कैमरा की तो वही दिखी होंगी मैं। तो बताइएगा गाइज आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। और मैं सोच रही हूँ ना कि वीक में एक ब्लॉग लाया करूँगी बस, और पूरे दिन फ़ोटोशूट पोजेज ही लाऊँगी और एक दिन ब्लॉग। तो बताइएगा सही मैं सोच रही हूँ या नहीं। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा होगा गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग घर आ गए थे ना, तो फिर मोमोज मेरे हस्बैंड खरीदे और ये अमूल कूल जो मुझे बहुत पसंद है,